जिस मुद्दे को आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे आपका और हमारा सबका वास्ता है, और ये मामला है देश में बढ़ती बेरोजगारी का। जी हाँ, क्योंकि बेरोजगारी का पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है और पूरा सामाजिक ताना बाना खराब होता है। अगर सोसाइटी में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ने लगती है तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल आदमी का जो ताना बाना होता है वो हैम्पर करना शुरू होता है, उसकी इकोनॉमिक डीग्रोथ होती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो एक फैमिली की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब नेशन में जो कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल एज ए फैमिली होना चाहिए वो कम होती है, और फिर इसको ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो पर्टिकुलर एक सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन पूरे नेशन के जीडीपी में या नेशन को महान बनाने में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो चीज़ हैम्पर करना शुरू कर देती है। उसके बाद जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आदमी अपने बेसिक नीड्स को पूरी करेगा ही, तो सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई तो क्राइम, चाहे वो व्हाइट कलर क्राइम हो और चाहे आप हार्ड कोर क्राइम हो, जैसे सड़क पे छिनैती वगैरह होती है, ये सारी चीजें होती है, फ्रॉड फाइनेंशियल्स, वो चीजें बढ़ जाती हैं। हम अगर अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारी की दर को कम करने की होनी चाहिए। एडिशनल अगर आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो प्रोडक्टिविटी नेशनल जीडीपी में जो है वो काउंट होगी, ऑन पेपर वो रिकॉर्ड पे आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है जीडीपी वहां पे बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जीडीपी का, ये दो प्रॉब्लम है जीडीपी को बढ़ाने के, एक तो ये है कि ठीक है आप लोगों को स्किल बनाइए और एम्प्लॉयमेंट सेल्फ रोजगार में उनको इन्वॉल्व करिए ताकि अनप्रोडक्टिव लोग काम करना शुरू करें और प्रोडक्टिविटी बढ़े।